लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस नारे को बदल देना चाहिए, लड़की हूँ लड़वा सकती हूँ, लड़की हूँ दूसरे के लड़कियों की बच्चों की बच्चियों की हाथ पैर तुड़वा सकती हूँ। आज अखिलेश यादव बोल रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए हैं। अरे श्री राम जी सपने में नहीं है। एके मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मिश्रा साहब, हालांकि इस मामले पर एनसीपीसीआर ने संज्ञान ले लिया है, स्वतः संज्ञान लिया, और उन्होंने कहा है कि जो भी इसके दोषी होंगे वो जेल जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इनको, और इन पर मामले दर्ज कराएंगे, जांच की भी बात एनसीपीसीआर ने कही है। लेकिन मिश्रा जी, मैं ये समझना चाहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार के नाते आपने भी कई चुनाव इससे पहले कवर किए होंगे, क्या स्कूली छात्रों का राजनीति में वोट के लिए इस्तेमाल की घटना इससे पहले कभी आपने देखी है? और ये अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह से कर रही है तो क्या ये इससे क्या संदेश जा रहा है, और क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगी जो एक्सरसाइज है कांग्रेस की? देखिए, शुरू करने के पहले मैं अपने सभी मित्रों को बोल दूं, मेरा भाजपा कांग्रेस सपा बसपा से कोई लेना देना नहीं जी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस नारे को बदल देना चाहिए, लड़की हूँ लड़वा सकती हूँ, लड़की हूँ दूसरे के लड़कियों की बच्चों की बच्चियों की हाथ पैर तुड़वा सकती हूँ। इस तरह का आयोजन करना, अपने बच्चों को प्रियंका गांधी हेलीकॉप्टर से घुमाती है, सेम समाजवादी पार्टी भी साइकिल यात्रा निकालती है बच्चों को युवाओं को लड़कियों को लेकर के, साइकिल से कोई गिर जाए तो हाथ पैर किसी का टूट जाए। अखिलेश यादव जी ने डिंपल अपनी वाइफ धर्मपत्नी जी को मना कर दिया कि आप रैली वगैरह नहीं करेंगी, अपने बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं। अगर प्रियंका गांधी इतनी ही जो है जनता की नेता बनने का शौक है तो आगे आगे वो पार्टिसिपेट करती ना, और उनके दोनों बच्चे दौड़ते तब समझ में आता कि हाँ भाई ये जनता के लीडर हैं। तो इस नारे को बदल दीजिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नहीं, लड़की हूँ लड़वा सकती हूँ, दूसरे की लड़कियों की बच्चियों की हाथ पैर तुड़वा सकती हूँ। और उससे भी ज्यादा क्रिटिसिज्म बीजेपी का मैं बार बार बोलता हूँ, दो मेथड होते हैं सुरक्षा के, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है करेक्टिव। करेक्टिव होता है घटना हो जाने के बाद आपने स्वतः संज्ञान लिया, आपने इसके पहले ये क्यों नहीं देखा कि इस तरह की भीड़ क्यों हो रही है किसी बच्ची को जो है, बीजेपी का तो नारा है बेटी बचाओ, अगर हाथ पैर टूट गया तो उसके लिए इन्होंने क्या प्रिकॉशन लिया, क्या व्यवस्था ली, जितने बच्चियों के जूते चप्पल वहां गायब हुए हैं, चोट आई है, उन सब को कांग्रेस पार्टी को स्कूटी घर घर जाकर के देना चाहिए, नहीं तो इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब उकसाने का काम, कोई बच्ची मर भी सकती थी वहाँ पे, एक एक दूसरे के ऊपर जब भीड़ बेकाबू होती है तो कुछ भी हो सकती है। और उससे भी दुस्साहसिक कार्य इन लोगों की बेशर्मी आप देखिए, इसका कनेक्शन कहाँ से कर रहे हैं? अरे पहले कोई घटना हुई तो इसका मतलब है कि उस घटना को आप रोज करते रहेंगे, इसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए, इस बयानबाजी के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि इस तरह की जो विरोधी पार्टियां जो इस तरह के आलतू फालतू रैली करते हैं उन सब पर रोक लगाना चाहिए। चलिए चलिए मिश्रा जी, ये आपने कहा इस पर रोक लगाना चाहिए, और बहुत गंभीर आरोप भी आपने लगा दी कि अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस इन पे लगने चाहिए, स्कूटी सबको देनी चाहिए। निश्चित तौर पर उसके बाद क्या हो रहा है, हमने रिपोर्टर को हमने बोला है कि जो लड़कियां गंभीर रूप से घायल हुई है, कोई पहुंचा नहीं, कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा होगा। जी, हमने अपने बिल्कुल ये मिश्रा जी आपने सही बोला, और हमने अपने रिपोर्टर को बरेली में बोला भी है कि वो इसको रिपोर्ट करे कि आप सपा वाले आप हाथरस में चले जाते हैं, आप बेटी के नाम पर उन्नाव में चले जाते हैं राजनीति करने, लेकिन क्या प्रियंका जी या स्थानीय कोई कांग्रेस का नेता उन लड़कियों के यहाँ गया है? जी, जो बेटियां घायल हुई है सपा को चाहिए वो बेटियां एक महीने डेढ़ महीने चल नहीं पाएंगी तो कम से कम एक साइकिल तो दे दे, इतनी तो मानवता दिखाए। जी नहीं नहीं, चलिए मैं इसका जवाब लूंगा शिल्पी जी। बांटा जा रहा, मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, भुटोला साहब, मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन वो बच्चों की रैली नहीं है भाई, उससे बात कीजिए आप। कांग्रेस 40% की दे रहे थे, इनको पूछा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे है। मेरे कई मित्रों ने, भुटोला जी सुन लीजिए एक मिनट, मेरे कई मित्रों ने ये बोला कि भाजपा के एमपी ने केंद्रीय मंत्रियों ने ये सब करवाया, इनको समझ में आना चाहिए केंद्रीय मंत्री जो है वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी वो चीज सरकार करवा रही है। जब सरकार करवाती है तो आप फर्क देखिए, वहाँ प्रॉपर एम्बुलेंस होती है, इमरजेंसी मेडिकल की फैसिलिटी होती है, प्रॉपर स्टैटिक्स का कैलकुलेशन होता है कि कितनी क्राउड होगी और उसके लिए कितनी जगह चाहिए निकलने के लिए। ये तो एक गेट पे उस गेट की कैपेसिटी क्या है क्राउड मैनेजमेंट की, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये नहीं करता है।
तो दोनों में फर्क समझिए। भाजपा के मंत्रियों ने अगर करवाया तो वो सरकारी प्रोग्राम था, ये प्राइवेट प्रोग्राम है। और मेरा दावा है, आप उन फुटेज को पिक्चर को देख लीजिएगा, कोई एम्बुलेंस नहीं रही होगी, कोई डॉक्टर की फर्स्ट एड की व्यवस्था वहाँ नहीं रही होगी, आप ये देख लीजिएगा। फर्क को ये क्यों नहीं समझते हैं? गवर्नमेंट या कोई मंत्री करवाता है, प्रॉपर स्टेडियम में होता है, प्रॉपर देखरेख में होता है। बुटोला साहब, मिश्रा साहब, दोनों से परमिशन ली नहीं ली ये तो जांच का विषय करेंगे, लेकिन जैसे मिश्रा साहब ने कहा कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, हमारे रिपोर्टर ने वहां देखा कोई बाकी सिक्योरिटी जो मेजर्स होते उसका इंतजाम नहीं किया गया था। अब मानिए इस बात को, अगर बड़ा हादसा होता तो कौन जिम्मेदार होता? आऊंगा आपके पास शाही जी, कुछ के मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे, फिर नए मेहमान भी जुड़े उनके पास भी मुझे जाना है। मिश्रा जी जल्दी इसको जब जी लिफ्ट सर्विस प्रोवाइड करने में शिल्पी मैन का कोई मतलब जोड़ नहीं है, सारी नहीं है। समाजवादी पार्टी वाले भी लिफ्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, क्रिटिसिज्म करना, प्रशंसा करना टीवी पे बैठ के। आज अखिलेश यादव बोल रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए हैं। हाँ, उनको बोलिए कभी उनके सपने में आए कि नहीं आए। यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज करने से बेहतर है, मैं ये बोलना चाहता था, आपके नेता आप लोग जाइए, उन बच्चियों को साइकिल दीजिए, उनके इलाज की व्यवस्था करिए, लिप सर्विस मत प्रोवाइड करिए। लिप सर्विस तो मैं भी बहुत बेहतर यहाँ से बैठ के सारी चीजों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। केवल वोट हिलाने से चीजें नहीं होती है, थोड़ा शरीर को हिलाया जाए और ग्राउंड जीरो लेवल पे जाके मदद की जाए, मेरा पर्पज ये है गाने का। रावत जी 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 जी, शाही साहब कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊँ। बोलिए शाही। मैं एक कहना चाहता हूँ, एक रिपोर्ट भी आई है जी। अरे श्री राम जी सपने में नहीं है, 200। अरे श्री राम जी सपने में नहीं है, 200। शिल्पी जी, शिल्पी जी आ रहा हूँ मैं, आपको मौका दूंगा। शिल्पी जी, मिश्रा जी नहीं है, मिश्रा जी ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। मुझे पता नहीं अखिलेश यादव जी श्री रामचंद्र जी से डरते हैं क्या है? कृष्ण और राम अलग होंगे। मिश्रा जी ने उंगली उठाई, वो कुछ कहना चाह रहे। मिश्रा जी देखिए, फिर बूटे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। एक और लड़की है जो लड़ रही है, प्रियदर्शनी, जो संजय गांधी को तथाकथित तौर पे अपना पिता क्लेम करती है जी। उनकी लड़ाई नहीं दिख रही है, वो भी एक असली लड़की है और लड़ रही है अपने अधिकार के लिए जी। इसमें भी जरा कांग्रेस का वक्तव्य ले लीजिए कि वो एक लड़की होकर लड़ रही है तथाकथित तौर पे संजय गांधी को अपना पिता बता रही है, तो उसका जेनेटिक जो है मैपिंग करवाना, टेस्ट करवाना और उसके अधिकार को दिलाना क्यों नहीं गांधी परिवार अपना कर्तव्य समझता है? वो लड़की नहीं है क्या?